रायबरेली समाचार चैनल देखने के लिए यूट्यूब के आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। महाशिवरात्रि श्रद्धालुओं से गुलजार होंगे प्रांगण। आज ही महाशिवरात्रि पर सुबह 4 बजे से बाबा जगमोहनेश्वर धाम में जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार शहर के सभी मोहल्लों से। बाबा को जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली, जिसमें महिलाएं, पुरुष व बच्चे भी जलाभिषेक के लिए उत्साहित दिखे। चंदापुर प्रांगण में बाबा जगमोहनेश्वर धाम में आप लोग भजन कर रही हैं, आज क्या है? देखिए, आज 13 तिथि है, शिवरात्रि का दिन है और पावन पर्व पर हमारे भोलेनाथ का भोलेनाथ का आज शादी की तैयारियां हो रही हैं। संगी बराती सब गीत और मंगल कामना उनके कर रहे हैं। गाने बजाने के साथ हम लोग गा बजा रहे हैं, नाच रहे हैं और भोले बाबा की कृपा से हमारे 1 पुत्र है और 2 बेटियां हैं। वो पुत्र भी भोले बाबा ने हमको शिवरात्रि के ही दिन दिया, उनकी कृपा उनकी रहमत आज 20 साल से मेरे सर पे बनी हुई है। उनके इतने एहसान हैं जो हम कभी मिटा नहीं सकते हैं। और आज मेरे बच्चे का सालगिरह है, उसका नाम है आशुतोष तिवारी। उनकी माता श्रीमती मोहिनी तिवारी हैं, जो कि ऐसे पावन पुत्र को पाके आज वो धन्य है। आज आप भजन कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं भजन में मौजूद? भजन में हमारी बड़ी दीदी देखिए मनहरन भारती जी हैं, दूसरे नंबर पर हम हैं मोहिनी तिवारी और तीसरे नंबर पे पुष्पा जी हैं, चौथे नंबर पे मनोरमा जी हैं और पांचवे नंबर पे प्रेमा वर्मा हैं और छठे नंबर पर सरोज वाजपेयी हैं और सातवें नंबर पर हमारी उषा श्रीवास्तव हैं और आठवें नंबर पर हमारी वीनू श्रीवास्तव है और नवें नंबर पर दयावती भाभी है हमारी। ये सब महिलाएं हमारी मंडल ग्रुप में हमेशा रहती हैं।